नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर। बता दें कि ईडी ने वैभव गहलोत को बड़ी राहत देने का काम किया। दरअसल आपको बता दें कि आज ईडी के दफ्तर में वैभव गहलोत की पेशी थी। 25 अक्टूबर को ईडी ने वैभव गहलोत को समन भेजा था, जिसके बाद आज उन्हें ईडी के दफ्तर में पेश होना था। लेकिन आपको बता दें कि अब ईडी से बड़ी राहत वैभव गहलोत को मिली है। 15 दिन का समय वैभव गहलोत ने मांगा था, जिस पर ईडी ने 4 दिन के लिए अब उन्हें राहत देने का काम किया, जिसके बाद अब वैभव गहलोत 30 अक्टूबर को ईडी के समक्ष पेश होंगे। वैभव गहलोत को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन ईडी से नई तारीख के लिए निवेदन किया, जिसके बाद अब वो 30 अक्टूबर को पेश होंगे। ईडी द्वारा समन भेजने पर आज राजस्थान में सियासी सरगर्मी देखने के लिए मिल रही थी कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की रेड को लेकर सीधे सीधे केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। वहीं अपने बेटे पर ईडी के एक्शन को लेकर अशोक गहलोत कहते हुए नजर आए कि वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी राहत वैभव गहलोत के लिए देखने को मिल रही है। 15 दिन के समय की मांग की गई थी, लेकिन 4 दिन का समय ही मिला है। वैभव गहलोत ने कहा है कि उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए कुछ समय की जरूरत है। यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर आ रही है। FEMA मामले में अब वैभव गहलोत को 30 अक्टूबर के दिन ईडी के सामने पेश होना होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।